इंदौर लॉकडाउन में जहां रेड जोन के चलते इंदौर में शराब दुकान पूर्ण रूप से बंद है। इसके चलते अवैध शराब बिक्री का उदाहरण आज अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित देखने को मिला। अन्नपूर्णा थाना अंतर्गत बीती रात उषा नगर पुलिस चेकिंग पॉइंट पर बाइक सवार दो युवक नरेंद्र व गोविंद नशे की हालत में मिले हैं। जब इनसे पूछताछ करने पर अपने आप को स्टाफ का बताने लगे। इस बीच नगर सुरक्षा समिति के सदस्य हरभजन सिंह खुराना द्वारा जब सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों द्वारा भागने की कोशिश की। इस बीच अन्नपूर्णा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक अनिल सांगला ने दौड़कर बड़ी मशक्कत के साथ दोनों आरोपियों को पकड़ा और पुलिस थाने पर ले गए। इस संबंध में अन्नपूर्णा थाना प्रभारी ने हमें बताया कि इन दोनों आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल जांच करवाकर उनके खिलाफ धारा 188, 269 और धारा 151 के तहत कार्यवाही कर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन की रिपोर्ट। सर, किस प्रकार की कार्रवाई आज हुई है? ये उषा नगर चौराहे पर हमारी चेकिंग चल रही थी, तो इसमें दो लोग, एक तो नरेंद्र पिता राय सिंह और दूसरा है गोविंद पिता कारूलाल, ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, रोकने पर रुके नहीं, इन पीछा किया गया तो ये दशहरा मैदान पर भाग गए जहां उनको पकड़ा गया और ये बिना किसी कारण के लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए पाया गया है और जिनके विरुद्ध जो है 188, 269 IPC की कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा जब इनको थाने के लाया जा रहा था तो ये जो है पुलिस स्टाफ से उलझने का प्रयास कर रहे थे, जिससे इनके खिलाफ जो है 51 की कार्रवाई भी की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।